हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद। आपके चैनल भैया जी टेक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप वीवो के वीवो S1 प्रो के यूजर हैं तो वीवो ने अप्रैल के महीने में आपके लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी कर दिया है। तो फटाफट आप भी सेटिंग में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करिए, हो सकता है कि ये अपडेट आपको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो थोड़ा सा वेट करिए, ये OTA के द्वारा अपडेट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी साइज है, क्या इसका वर्जन है और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे थे कि आपके वीवो S1 प्रो में एंड्रॉइड 11 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा चांस है कि आपके वीवो S1 प्रो में एंड्रॉइड 11 का अपडेट जो है वो रूल आउट शुरू हो गया है। तो उसका भी एक प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो के इन तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीवो के S1 प्रो में क्या नया अपडेट आया हुआ है। इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अभय भाई ने मेरे साथ शेयर किया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके वीवो S1 प्रो में ये अपडेट आया हुआ है, हालांकि ये अपडेट करने के बाद मेरे साथ शेयर किया है, तो इनिशियल जो वर्जन है वो नहीं पता है। तो आइए देखते हैं क्या अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अपडेट के बाद वीवो S1 प्रो का जो वर्जन है वो है 6.70.12। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है तो उसके बारे में अगर बात करूं तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अगर आप सिस्टम में जाएंगे तो सबसे पहले यहां पे सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है जो कि मार्च 2021 का है। तो काफी अच्छी बात है कि रेगुलर सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ थर्ड पार्टी एप्स को लेके प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पे फिक्स किया गया। आप देख सकते हैं, ऑप्टिमाइज द कंपेबिलिटी ऑफ सम थर्ड पार्टी एप्स टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी आपके फोन में बग्स थे उसको फिक्स किया गया है। तो ये अच्छा अपडेट है, आप में ये अपडेट आए तो इसको कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि वीवो S1 प्रो में एंड्रॉइड 11 का अपडेट कब तक देखने को मिलेगा। तो मैं अगर वीवो के रोड मैप के अकॉर्डिंग बात करें तो इस मंथ यानी अप्रैल के एंड में वीवो ने कहा है कि वीवो S1 प्रो में एंड्रॉइड 11 का अपडेट देखने को मिलेगा। हालांकि ये शुरू में आपको ग्रे स्केल टेस्टिंग के तौर पे दिया जाएगा, तो कुछ गिने चुने यूजर्स होंगे उन्हीं को मिलेगा, सारे यूजर्स को नहीं मिलेगा। इसका स्टेबल अपडेट आने में कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि सारे यूजर्स को इसका स्टेबल अपडेट यानी एंड्रॉइड 11 का मई के मिड में देखने को मिलेगा। हालांकि एक रूमर्स और भी निकल के आ रही है कि वीवो S1 प्रो में एंड्रॉइड 11 का अपडेट जो है वो बीटा के तौर पे रिलीज कर दिया गया है। मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये जो साइट है काफी ट्रस्टेड साइट है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि वीवो S1 प्रो एंड्रॉइड 11 बीटा अपडेट रूलिंग आउट नाउ। हालांकि जो वर्जन यहाँ पे देखने को मिली है वो मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ओल्ड वर्जन है वीवो S1 प्रो का वो है 6.10.0, और दोस्तों जो अपडेट आया है एंड्रॉइड 11 का वो है 8.12.6, और इसकी साइज यहाँ पे मेंशन की गई है 3.79 GB के आसपास की साइज है। तो मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, अगर कुछ और न्यूज आती है तो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।